हेलो गाइस, दिस इज विनायक एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग विनायक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज अब आ गए हैं रेलवे स्टेशन क्योंकि मुझे जाना है तेलंगाना बैक टू माय कॉलेज। और अभी मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं। और अभी टाइम बजा है 12:30 बजे। जो फलकनामा का ट्रेन आने वाला था वो अभी 25 मिनट लेट है, तो इसीलिए मुझे अभी 25 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बचता है। ये मेरा पहला जर्नी ट्रेन जर्नी हुआ टू माय कॉलेज, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, देखिए जैसे कि अनाउंस हो रहा है कि अभी ट्रेन अभी आने वाली है, तो अभी पेरेंट्स के साथ मैं भी वेट किया हूँ कि कब आएगा ट्रेन। और अब देख सकते हैं ये पूरा भद्रक का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और ये सामने मालगाड़ी है अभी। सो गाइस, चलिए देखते हैं क्लास 3 AC कैसे दिखती है, मतलब फलकनामा में। ये थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे की तरफ खुलेगी शायद। हाँ, खुल गई। सो गाइस, देख पा रहे होंगे कि ठीक ठाक लोग हैं, इतना कम भी लोग नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँगा, कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेसी है यहाँ पे। समझ रहे हो। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे और ट्रेन में 7:30 बजे का मतलब डिनर करने का टाइम। तो अभी मैंने मंगवाया था चिकन मील जो 140 रुपीस लिए हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है उन्हें। तो देख पा रहे होंगे, मतलब देखकर तो इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब जो भी हो अभी तक, मतलब खाने का क्वालिटी अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और भी बहुत मतलब क्वालिटी हाई करना पड़ेगा। इसमें शायद राइस दिए होंगे शायद। हाँ बिल्कुल, राइस दिए हैं। तो चलिए खाते हैं, कैसा लगता है। दिक्कत तो इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, और हाँ ये इतना ख़ास भी नहीं है शायद। सो गाइस, अभी सोने का टाइम हो चुका है और नींद भी आ रही है, किसी से मिलते हैं। Six and a half hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, और 30 मिनट्स बाकी है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड फाइनली नालगोंडा में पहुंच चुका हूँ, और अभी जाएंगे डायरेक्ट कॉलेज। The video, please comment down below, and if you like my video then please like and share it. If you are new to my channel then please subscribe it and press the bell icon. So guys, if I have to rate this train journey then I will give 6 out of 10 because of its quality and toilet service, because toilet service would be better and it's not that much hygienic for us, and it's really a big concern for Indian Railways to clean its toilet so that you can experience safe and good journey. And it's by that I have to conclude this video, and thank you for watching and keep supporting my channel. Thank you.